हाय फ्रेंड्स, मैं गुंजन, मैं आपका स्वागत करती हूँ भाग्यलक्ष्मी अन्नपूर्णा किचन में। आज हम बनाएंगे बैगन के चॉप पकोड़े, जी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनेगी ये। तो चलिए चलते हैं बनाने के लिए। बैगन के पकोड़े बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस है। इसके लिए हमने लहसुन, अदरक और ये धनिया पत्ता लिया है, जिसे हमने कद्दूकस करके रखा है। अदरक और लहसुन को इसमें हमने बेसन ले लिया है, बेसन एक कटोरी ले। बेसन हमने एक कटोरी ले लिया है। ये बेसन में अब हम आधी चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच ही हल्दी पाउडर डालेंगे। और आधी चम्मच सब्जी मसाला डालेंगे इसमें हम, और नमक स्वाद अनुसार। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें, कम ज़्यादा जो जैसा आप खाते हो अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो इसे बहुत अच्छे से हमने मिला लिया है। अब हल्का पानी डाल डाल के घोलेंगे इसको, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से इसे घोल बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें, जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर करें। और इसमें हमने एक चुटकी सोडा डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और इस तरीके का घोल रखें, गाढ़ा घोल, ना ही ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो इस तरीके का घोल रखें, जिससे बहुत अच्छा बैगन को इस तरीके से हमने गोल गोल पतले पतले काट लिए हैं। तो आप भी इस तरीके से काट लो, बहुत अच्छा लगेगा। और एक तरफ हमने तेल चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, तो हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो इसमें हम गर्म, बहुत ही गर्म तेल डाल देंगे इसके अंदर, 2 से 3 चम्मच, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट देंगे इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा गाढ़ा घोल भी है। तो अब एक एक करके इसे डिप करेंगे तेल, सॉरी बेसन में, एक एक करके इस तरीके से डिप करेंगे। और इसे इस अच्छे से झाड़ के इस तरीके से डालेंगे इसे तेल में। तो इस तरीके से आप डालें तेल में, अच्छे से झाड़ के, बेसन गिरा के मतलब। और इसे आप उलट पुलट के धीमी आँच पे मीडियम फ्लेम में इसे पकाएंगे उलट पुलट के, जिससे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगा ये पकौड़े, और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करना अपने घर में। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर लिख के बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलना, और हमारे ऑल बटन पे भी ज़रूर दबाना, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो हमने उलट पुलट के इसे पका लिया था, और फिर दूसरा भी हम इस तरीके से बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा बन चुका है, और इसे हम निकाल ले रहे हैं इस तरीके से। फिर से हम डालेंगे और फिर से उसी तरीके से इसे पकाएंगे। ऐसे करके सारे हम बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सारे बनाने के बाद। तो देखिए हमारा ये पकौड़ा बनके तैयार है, और आप देख सकते हो कितने टेस्टी दिखने में भी लग रहा है, उतना ही टेस्टी खाने में है ये बिल्कुल। तो आप ज़रूर से ज़रूर एक बार बनाएं, ट्राई करें अपने घर में इस तरीके से पकौड़े, बहुत ही टेस्टी है, सभी को पसंद आएंगी। तो ज़रूर से ज़रूर बनाएं, और देख सकते हो आप कितना ही सॉफ्ट है और कितना ही अच्छा बना हुआ है, ये क्रिस्पी भी है। तो ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।